ओम नमः शिवाय। माघ मास शुक्ल पक्ष बुधवार द्वितीय तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा आज भी धनिष्ठा नक्षत्र में सुबह 9 बजे तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, साहसी, प्रसिद्धि पाने वाले और शत्रुओं को जीतने वाले होते हैं। ऐसे जातक विदेश में रहने की कामना करने वाले, वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्यों में रुचि रखने वाले, पुरानी वस्तुओं तथा कलाकृतियों के प्रेमी, अत्यधिक सोच विचार कर कार्य करने वाले, सात्विक जीवन जीने वाले, महत्वाकांक्षी और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, दशा ठीक रही, राहु और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज भी चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि कायम रहेगी, मगर नक्षत्र राहु का होगा जिससे अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा, प्रतियोगी भावना विकसित होगी और नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। प्रबल उत्साह और कार्य ऊर्जा पूरे दिन बनी रहेगी, मगर नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहें। दूसरे की सलाह हानिकारक सिद्ध हो सकती है, सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है। साथ ही यात्रा के दौरान वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें। हालांकि कभी कभार मानसिक भ्रम की स्थिति और मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव भी बना रह सकता है। हालांकि विभागीय सहयोग और अधिकारियों की सकारात्मक प्रेरणा भी समय समय पर बनी रहेगी। आज के दिन किसी को कर्ज या ऋण नहीं देना चाहिए, अन्यथा धन वापसी में तमाम तरीके की परेशानियां आ सकती हैं। आज का राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक बना रहेगा, जिसमें किसी नए काम की शुरुआत या कोई नया अनुबंध नहीं करना चाहिए। आज ग्रहों के सेनापति मंगल अभी तक मीन राशि में चल रहे थे, मगर आज से मंगल अपनी मेष राशि में आ चुके हैं और यह स्थिति 21 मार्च तक मेष राशि में ही बनी रहेगी। प्रत्येक जातकों पर मेष राशि के मंगल का प्रभाव उनके अपने अपने कारकों और महादशा के अनुसार पड़ता रहेगा, जिसका सूक्ष्म अवलोकन आज के दैनिक राशिफल के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार होगा, मगर कार्य क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी और हर काम के साथ मानसिक स्तर पर अनावश्यक चिंता, घबराहट, बेचैनी, कार्य क्षेत्र में रुकावट और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। माँ के स्वास्थ्य की चिंता और अपने सामान के प्रति सावधानी अपेक्षित है। हालांकि साझेदारी लाभदायक रहेगी, मगर वित्तीय लेन देन में परेशानी महसूस होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। मेष राशि के मंगल का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक रूप से शुभ फलदायक होगा। यह प्रभाव 21 मार्च तक बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में कमी आएगी, सुधार होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और अपने आप में अत्यधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। भाइयों से सहयोग और सकारात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। वृष राशि के जातकों के लिए आय संबंधी मामलों में प्रयास जारी रहेगा। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी, मगर व्यावसायिक स्तर पर उतार चढ़ाव संभावित है। कार्य क्षेत्र की निरंतरता प्रभावित हो सकती है। विभागीय सहयोग में कमी, मगर कार्य क्षेत्र में प्रतियोगी भावना विकसित होगी। ठीक ढंग से चलते हुए कामों में अचानक बाधा संभावित है। आर्थिक लाभ आपके कार्य क्षमता के ऊपर निर्भर करेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मेष राशि के मंगल का प्रभाव आपके लिए संवेदनशील रहेगा। अनावश्यक वाद विवाद से बचें। पार्टनर के स्वास्थ्य पर चिकित्सा में व्यय होने का अंदेशा भी बनता है। व्यावसायिक गतिविधियों में दूसरे शहर या दूसरे राज्य अथवा विदेश में व्यापार फैलाने का मौका मिलेगा। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी और न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों में सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और कार्य क्षेत्र के प्रति सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। अचानक आर्थिक लाभ संभव है। आपके प्रयासों से सरकारी कामकाज और रुके हुए काम संपन्न होंगे और विभागीय सहयोग के द्वारा लाभ की संभावना बनती है, मगर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में वित्तीय सावधानी अपेक्षित है। धार्मिक भावना बलवती होगी और आध्यात्मिक विषयों के प्रति रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मेष राशि के मंगल का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक रूप से बना रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में बल मिलेगा। बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। विरोधियों की साजिश नाकाम होगी। बंधु बांधवों से अपेक्षित सहयोग जारी रहेगा।
मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से सावधानी अपेक्षित है। कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के साथ साथ व्यावसायिक सावधानियां, संबंधित मामलों में वाद विवाद और कार्यों में रुकावट के साथ ही साथ विरोधियों से साजिश की संभावना और चोट चपेट लगने का संकेत मिलता है। चंद्रमा आज आठवें भाव में राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाएं और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और संयम के साथ कार्य क्षेत्र में लगे रहें। हालांकि अधिकारियों की सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। प्रयास जारी रखें। मेष राशि के मंगल का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र को बल देगा। व्यावसायिक उत्थान में सहयोग मिलेगा। नौकरी करने वाले कर्मचारियों को प्रोन्नति के अवसर मिलेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्य क्षमता अप्रत्याशित रूप से बढ़ी रहेगी। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है और विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यधिक लाभकारी होगा। परीक्षा में मन मुताबिक सफलता मिलने का योग बना हुआ है। प्रयास जारी रखें। सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। रुके हुए काम संपन्न होंगे, उपलब्धि हासिल होगी। कार्य क्षेत्र में विकास और कर्मचारियों से सहयोग मिलता रहेगा। आपका ऊर्जा स्तर और दृढ़ इच्छा शक्ति नई कार्य योजनाओं के लिए मदद करेंगे। आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा, मगर भ्रम की स्थिति आपके निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। मेष राशि के मंगल का प्रभाव आपके लिए शुभ फलदायक होगा। बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। किए गए प्रयास सार्थक होंगे और ऊर्जा स्तर बना रहेगा। निजी निवेश के लिए यह समय उपयुक्त रहेगा। नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। मन मुताबिक जगह स्थानांतरण की उम्मीद बनती है। जिस अवसर की आपको लंबे समय से तलाश थी, वह शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। अभीष्ट कार्यों की सिद्धि में मंगल का सकारात्मक योगदान बना रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलते जाएंगे, मगर आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हर काम करने के प्रति नकारात्मक विचारों का पैदा होना, स्वार्थपरता की भावना, आर्थिक लाभ में कमी और मौसम संबंधी संक्रमण से होने वाले खतरों का संकेत मिलता है। हालांकि साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज में सहयोग बना रहेगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मेष राशि के मंगल का प्रभाव आपके किए गए प्रयासों को वृद्धि करने वाला होगा। आर्थिक मामलों में मदद मिलेगी और आय के नए स्रोत विकसित होंगे। आर्थिक और व्यापारिक मामलों में सहयोग बढ़ेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता बनी रहेगी। वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतें। नौकरी करने वाले जातकों को विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। विभागीय सहयोग बना रहेगा और व्यावहारिक तौर पर समझौतावादी दृष्टिकोण रखना लाभदायक रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। शारीरिक व मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। भविष्य की योजनाओं के प्रति निजी निवेश की प्रवृत्ति बनी रहेगी और किसी समारोह में सम्मानित किए जाएंगे, मगर कुछ कार्यों में कूटनीतिक पहलुओं पर भी दिमाग केंद्रित होगा। भ्रम की स्थिति के साथ आत्मविश्वास प्रभावित होगा। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलती रहेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मेष राशि के मंगल का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक रूप से बना रहेगा। अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होगा। व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और पार्टनरशिप के कामों में नए अनुबंध शामिल होंगे, जो कि लाभदायक रहेंगे, मगर व्यावसायिक लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने में मंगल का विशेष योगदान होगा। विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय विशेष उपलब्धि वाला होगा। किसी कारणवश यदि वैवाहिक मामले लंबित हैं तो सुलझ सकते हैं। पारिवारिक तालमेल और निजी रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को प्रयासों का दौर सफलता दिलाने के लिए प्रेरित करेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। राहु के नक्षत्र की वजह से मन में नकारात्मक विचारों के उठने का अंदेशा बनता है। काम करने में उत्साह और इच्छा शक्ति की कमी संभावित है।
हालांकि कार्य क्षेत्र की प्रतियोगी भावना बरकरार रहेगी और विरोधियों से भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है, प्रयास जारी रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। मेष राशि के मंगल का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक रूप से कायम रहेगा, धैर्य साहस और सकारात्मक ऊर्जा साथ देगी, रुके हुए कामों में गति आएगी, पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत होगी और बंधु बांधवों से सहयोग बढ़ेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए विभागीय परीक्षाओं में सफलता का संकेत मिलता है। वाणी में सौम्यता और परिस्थितियों के अनुसार धैर्य बनाकर सामंजस्य स्थापित करना लाभदायक रहेगा। धनु राशि के जातकों के कार्यशैली में सुधार होगा, रचनात्मक सक्रियता हर काम में सफलता दिलाएगी, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और विभागीय सहयोग बना रहेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और अतिरिक्त आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, मगर पहल करने की प्रवृत्ति प्रभावित होगी। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, प्रयासों में बल मिलेगा, अधूरे काम पूरे होंगे और साझेदारी के कार्यों में लाभ मिलेगा, व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है, मगर मौसम संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मेष राशि के मंगल का प्रभाव आपके लिए अत्यधिक अनुकूल होगा, आत्मविश्वास और सकारात्मक कार्य ऊर्जा बनी रहेगी और दुगने उत्साह से काम करने की प्रवृत्ति में विकास होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जा सकता है, प्रोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और मन मुताबिक स्थानांतरण की परिस्थितियां सामने आएंगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मकर राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा, अधिकारियों का सहयोग और सरकारी कामकाज में सफलता की उम्मीद बनती है, निजी और घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी, मगर राहु का नक्षत्र निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, आर्थिक मामलों में सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा, अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें, वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, निजी संबंधों में गलतफहमी पैदा हो सकती है, साथ ही अपने सामान के प्रति सचेत रहें। मेष राशि के मंगल का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक रूप से लाभदायक रहेगा, निजी निवेश से संबंधित योजनाएं फलित होंगी, भूमि मकान या वाहन का योग बनता है, व्यावसायिक मामलों में और गति आएगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह समय उन्नतिदायक होगा, यदि आप अच्छे अवसर की तलाश कर रहे हैं तो उसमें सहयोग मिलेगा और आय में वृद्धि होगी, मगर परिस्थितियों के अनुसार धैर्य और संयम आवश्यक होगा। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं और निजी रिश्तों में गलतफहमी या विवाद के शिकार हो सकते हैं, सावधानी अपेक्षित है। कुंभ राशि वाले जातकों का पराक्रम बढ़ा रहेगा, प्रयासों में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, नई कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ की मनोवृत्ति बनेगी, हालांकि कार्य क्षेत्र में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहेगा, साझेदारी के कामों में लाभ का संकेत मिलता है, मगर संबंधित कामों में महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए, यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है, वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का समय सामान्य रहेगा, प्रयास जारी रखें और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मेष राशि के मंगल का प्रभाव आपके लिए लाभदायी होगा, किए गए प्रयास सार्थक होंगे और रुके हुए काम संपन्न हो सकते हैं, व्यावसायिक उत्थान में सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, बंधु बांधवों का सहयोग लाभ दिलाने वाला होगा, न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों में सफलता मिल सकती है, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में सावधानी अपेक्षित है। मीन राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में सुधार के साथ साथ खर्च की प्रवृत्ति भी बनेगी, हालांकि रचनात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति आज के दिन साथ देंगे और नई कार्य योजनाएं लागू हो सकती हैं, रुका हुआ धन मिल सकता है, साझेदारी के मामले लाभदायक सिद्ध होंगे, साथ ही साथ कार्य योजनाओं में जल्दबाजी उचित नहीं होगी, संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है, मगर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, प्रयास जारी रखें, यात्रा के दौरान अपने सामान के प्रति सावधानी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मेष राशि के मंगल का प्रभाव आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सहयोगी रहेगा,
फंसे हुए पैसे वापस मिल सकते हैं और अचानक आर्थिक लाभ की उम्मीद बनती है। बंधु बांधवों से सहयोग लाभदायक रहेगा। बहुप्रतीक्षित रुके हुए कार्य संपन्न होंगे और आत्मविश्वास बढ़ने से पहल करने की प्रवृत्ति में सुधार होगा। संतान संबंधी रुकावटें दूर होंगी और व्यावसायिक प्रयास सफल होंगे, मगर वाणी की सौम्यता बनाए रखना लाभदायक रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।